आप कल्पना शक्ति में इतने तेज हैं कि आप जिस किसी की कल्पना करो वो आपके सामने तैरने लग जाता है। एक लड़की एक लड़के की कल्पना करती है, एक बच्चा माता पिता की कल्पना करता है, तो क्या सुखद अनुभव नहीं होता? होता है ना? मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊं। पानी पूरी, गुलाब जामुन, बड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, चाट पूरी, भेल पूरी, चाउमिन, चाउमिन बोलते हैं क्या बोलते हैं, चाउमिन, चाइनीज पुलाव, मंचूरियन और समोसे, कचौरी, मोमोज, वो क्या होता है? अच्छा मोमोज, चलिए मोमोज, और डोसा, इडली, आने दो, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, फ्रेंकी, मैगी, पास्ता, नूडल्स, हाँ कुछ और बोलिए ना, ढोकले, खमण, वड़ा पाव, मुंह में पानी आया? आया कि नहीं आया? आया, किसी ना किसी बात पे आया, या वड़े पाव पे आया, या पानी पूरी पे आया, या चाउमीन पे आया, या मोमोज पे आया, या पोपोस में आया, किसी में भी पर आया, ठीक है? आया ना, आपकी कल्पना ही है ये, ना मोमोज है ना पोपोज है ना चाइनीज पुलाव है क्या आपके पास? नहीं है, आपकी कल्पना शक्ति है ये। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो एक केमिकल आपके बॉडी में रिलीज होता है जो मुंह में पानी लाता है। मुंह में पानी आया ना, एक केमिकल रिलीज होता है ब्रेन से। जब आप इन आइटम्स के नाम लेते हैं तो आपको उसकी स्मरण शक्ति होती, उसकी इमेजिनेशन होती, क्योंकि कभी खाया है, उसका इमेजिनेशन होता है, सिक्रेशन होता है केमिकल का, रस का, और मुंह आपका पानी से भर जाता है। ठीक है, अभी यही हुआ, यही हुआ। तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, आपको ईश्वर ने दी है। जिस चीज का आप इमेजिन करते हैं वैसा आपका बॉडी रिएक्ट करने लगता है। ऐसे ही अभी आप अगर किसी लड़के की कल्पना करोगे, आपका मन डाउन, इच्छाएं ज्यादा, कामनाएं ज्यादा, मिलने की इच्छा ज्यादा, और उसके बाद बर्बादी का रास्ता खुला। ठीक है, अगर आप उसकी जगह पर अपने गुरु को देखते हैं, इमेजिनेशन ही है आपका, ये इमेजिनेशन ही है। हम कैसे इमेजिन करें? कल एक सवाल था, किसी ने सवाल पूछा था कि हम हमेशा आपको कैसे फील करें, हाँ अपने साथ कैसे फील करें। तो अभी आपके पास मोमोज नहीं है, चाइनीज आइटम नहीं है, पुलाव नहीं है, वड़ा पाव नहीं है, फिर भी आपने इमेजिन किया ना उसको, तो मुंह में पानी आया। ठीक है, ऐसे ही आप उनको सतत, जिसको आप चाहते हो, व्यक्ति को नहीं, मैं फिर से बोलू, व्यक्ति हो सकता है धोखा दे, पर आपका गुरु और आपका भगवान आपसे कभी धोखा नहीं करता, वो हमेशा आपको साथ देते। इमेजिनेशन में उन्हें लाइए। आज मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप इमेजिन करिए उनके साथ होने का, उनके साथ खेलने का, उनके साथ बातें करने का। तो अभी आपके पास पानी पूरी नहीं है, पर पानी है मुंह में, है ना? आपने यूं करके खाया नहीं, पर केवल आपके चिंतन से आपके बॉडी ने केमिकल रिलीज कर लिया, मुंह में पानी आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप यदि कृष्ण की कल्पना में हैं, मीराबाई सारा जीवन कृष्ण की कल्पना में ऐसा नाची, ऐसा नाची। मैं एक और भी छोटी सी बात बता दूं, हम एक बार वृंदावन गए थे, वृंदावन, तो वृंदावन में एक 45 साल की, आज से 15 साल पहले की बात है, तो 45 साल की एक महिला रहती थी, भगवे कपड़े पहने थे, और मेरा उसकी कुटिया में जाना हुआ, तो 4 फीट की कृष्ण की मूर्ति थी, और वो बाहर तो भगवे पहनती थी,
कपड़े भगवे के थे पर मांग में सिंदूर था। मुझे बहुत अचरज लगा, मुझे बहुत आश्चर्य लगा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी मांग में सिंदूर है, मुझे लग रहा है कि आप कहीं गोपिका तो नहीं। तो उसने बहुत खुल के मुझे कहा कि हाँ, और आपसे तो क्या ही छुपाना, ऐसे लोग बहुत कम कम बताते हैं अपने अपने जीवन के रहस्य, बहुत कम बताते हैं, पर अगर कोई लायक व्यक्ति मिले तो ज़रूर बताते। उन्होंने मुझे एक दो बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु को समर्पित हुई थी मेरी 21 साल की उम्र में, उसकी 21 साल की उम्र में, आज उसकी 45 वर्ष की उम्र थी, 15 साल पहले की बात है। तो 21 साल की उम्र में मैं अपने गुरु को समर्पित हुई थी, जब तक मेरे गुरु हयात थे, और वो भी आनंदमयी माँ उनकी गुरु थी। आनंदमयी माँ का नाम सुना होगा आपने, है ना, बहुत ही पावरफुल महिला थी वो। वो योग के ऐसे ऐसे अंग जानती थी, 70-70 दिन तक भूखी रहती थी और कभी कभी 70 लोगों का खाना एक साथ खाती थी। 70 लोगों का खाना एक साथ खाना किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, एक योगी कर सकता है। या तो वो बहुत भूखा रह सकता है, उसको भूख नहीं लगती, या तो ये बहुत खाना खा सकता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है, तो उनके गुरु उस चीज को खा लेते हैं और उनका शरीर ठीक हो जाता है। ऐसा बहुत देखने सुनने में आता है। आज भी हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा। तो उसने मुझे बताया कि मैं आनंदमयी माँ की शिष्य थी हूँ। मेरे गुरुजी बहुत पावरफुल थे, बहुत ही सक्षम थे, सब शिष्यों को संभालते थे। उनकी केवल स्पर्श, उनकी दृष्टि मात्र ही हम लोगों को उन्नत कर देती थी। क्या आपको ये अनुभव है? बिना कुछ बोले आप बैठे रहो, केवल उनका चिंतन और स्मरण करो, आप उन्नत हो जाते हो, ठीक है, पावर आता है आप। ये गुरु की शक्ति काम करती है। आनंदमयी माँ, जब मैं 21 साल की थी तो मैं उन्हें समर्पित, 21 भी नहीं, 18 साल की थी तब मैं उनको समर्पित हो गई, और उन्होंने मुझे बहुत शिक्षित और दीक्षित किया, बहुत अच्छे से मुझे जीवन जीना सिखाया। जब मैं 21 साल की थी तब वो शरीर छोड़ रहे थे, ये दुनिया छोड़कर वो जा रहे थे। मैं बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि मेरा मन उनमें अटक गया था इतनी बुरी तरह कि मैं हर जगह पर उनको अपने साथ महसूस करती थी, अपने साथ, अपने इर्द गिर्द में, वो जहां जाऊं मुझे लगता था वो मेरे साथ है, मेरे पास है। दिन में एक दिन ऐसा नहीं गया, जब से मैं उनके पास समर्पित हुई, एक दिन ऐसा नहीं गया कि जब मैंने उनको अपने दिल की कहाल ना दिया हो और उन्होंने मुझे सुना ना हो। शांति से, इत्मीनान से वो मुझे सुनते थे, वो मुझे सॉल्यूशंस देते थे। अब मुझे लगा कि अब उनका शरीर नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, तो 21 साल की उस उम्र में मेरा दिल छोड़ने को तैयार नहीं था और ये सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि हर व्यक्ति को ये दुनिया छोड़ना है, पर मेरा गुरु दुनिया छोड़े तो मैं कैसे जीऊंगी। उस कल्पना से मैं कांप जाती थी, मैं थर थर कांप जाती थी कि मेरी जिंदगी अब कैसा मोड़ लेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि जो उन्होंने मुझे बनाया वैसा शायद ही दुनिया में मुझे कोई और बना सकता। मेरे पास माता पिता तो कभी नहीं, पर उन्होंने मुझे काबिल बनाया, अब मैं उनको कैसे छोड़ू। एक दिन वो सुबह ध्यान में बैठी थी, आनंदमयी माँ, मुझे 4 बजे सुबह बुलाया और एक कृष्ण की मूर्ति थी, उसको दूल्हे के कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने मेरे फेरे लगवा दिए उसके साथ। लिटरली उन्होंने मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, लक्ष्मी स्त्री नारी लक्ष्मी स्वरूपिणी पुरुष नारायण रूप, ये श्लोक गाकर उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मेरी शादी कान्हा से कर दी और मुझे कहा कि अब मैं तेरा हाथ इसके हाथ में दे रही हूं, हमेशा अपने पति से निभा लेना। कल्पना ही थी, वो कल्पना ही थी, वास्तव में कृष्ण थे नहीं, कृष्ण की मूर्ति थी 4 फीट की, जो कि आज भी मेरे जाने पे वो मूर्ति थी वहां। ठीक है, हम आगे की बात बता रहे हैं, क्या हुआ उसके बाद। उन्होंने उसके फेरे लगवा लिए, गुरु ने अपने शिष्य को अधूरा नहीं छोड़ा, उसे पता था मैं जा रहा हूं तो कोई चाहिए,
और उस कोई में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो उसे सही डायरेक्ट कर सके जिंदगी भर हमेशा। उसने उसका हाथ किसको सौंपा? कृष्ण के हाथ में सौंपा। आज से ये तुम्हारे पति हैं और तुम इनकी दुल्हन हो। लिटरली सुबह 4 बजे लाल साड़ी में मांग लगा के चूड़ियां पहन के उसने कृष्ण के साथ फेरे लिए अपने गुरु की साक्षी में। यज्ञ की वेदी जल रही है और उस वेदी के सामने उसने फेरे लिए। ये हम आपको घटित घटना बता रहे अभी 15 साल पहले की। आज भी वो हैं, उनकी उम्र बड़ी हो गई होगी, तब 45 थी, आज 15 और बढ़ गई होगी, 60 हो गई होंगी, अभी भी वो हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे पति हैं, मैं इनकी गोपिका हूं, मैंने दीक्षा ली थी इसीलिए मैं भगवा पहन रही हूं, अपने गुरु से मैंने दीक्षा ली थी भगवे की इसीलिए मैं सन्यासी हूं, पर मेरे गुरु ने मुझे दूल्हा दिया इसीलिए मेरा मांग में सिंदूर है और हाथों में चूड़ियां हैं। दोनों परिवेश उसके साथ थे। भगवे में कभी चूड़ियां नहीं पहनी जाती, भगवे में कभी सिंदूर नहीं लगाया जाता, पर वो सिंदूर भी लगाती हैं और भगवा भी पहनती हैं। दोनों ही उसके परिवेश उसके साथ है। मैंने उनको बोला मस्ती करते हुए, उन्होंने मुझे पलंग पे बिठाया और वो 4 फीट की हंसती हुई मूर्ति को मैंने देखा, वो अभी भी दूल्हा बन के सजा हुआ था। जैसे इसकी मांग में सिंदूर था, अभी भी वो दूल्हा बनकर सजा हुआ था उसके घर में। ये उसका जगत था, शायद वो मुझे ना दिखा, पर मैंने एहसास और महसूस किया कि इस कमरे में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो सतत निगरानी रख रहा है। सतत इसके कमरे में वही व्यक्ति प्रविष्ट हो सकता है जो इसके काबिल होगा, बाकी इसके कमरे में कोई जा ही नहीं सकता। जो इसकी भक्ति में, जो इसकी शक्ति में बढ़ोतरी करे, ऐसा ही व्यक्ति इसके पास आ सकता है। ये उस परमात्मा की सुरक्षा कवच था। उसकी शादी, जो उसका दूल्हा था, वो ये काम कर रहा था। ठीक है, मैंने उसको पूछा, ये निकम्मा क्या करता है आपके लिए? मेरा सवाल था। आप चेतन हैं, वो एक मूर्ति में है। मुझे यही जानना था क्योंकि उसका अनुभव मुझे भी है। ये मूर्ति है, ये निकम्मे ने कुछ काम किया कि सारा दिन बांसुरी लेके टेढ़ा होके बस टाइम पास? तो उसकी आंखों में छल 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 आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, जो काम इसने किया है शायद दुनिया का कोई पति नहीं कर सकता। मैंने कहा, मुझे बताओ। बोले, कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कहीं जा रही थी और पीछे से किसी ने, स्कूटर वाले ने ठोक दी और मेरे घुटने टूट गए। मैं हर साल गोवर्धन की परिक्रमा करने का मेरा नियम है। इस साल मैंने गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाई, तो मैं बिस्तर पर पड़े पड़े रो रही थी और मैंने कहा कि देख, इस बार मैं तेरी परिक्रमा करने नहीं आ सकती, मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे हर साल का नियम है कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूं, पर तूने मेरे घुटने तोड़ दिए। क्योंकि कंप्लेन भी तो उसी से ही होगी ना कि तूने मेरी संभाल नहीं रखी। तू सर्वत्र है, कहता है कि तूने मेरी संभाल नहीं रखी, मेरा घुटना तोड़ दिया तूने। तो भगवान आपको दुखों से बचाता है ऐसा नहीं है, पर दुखों को सहने का बल और बुद्धि जरूर देता है। ठीक है, वो पड़े पड़े, इस बार मैं आपकी परिक्रमा नहीं करने वाली, आपको करनी है तो मेरी ओर से कर लीजिए। ठीक है, अपने पति से जैसे अधिकार से बोलते हैं, उसी प्रकार उसने अधिकार से बोला कि इस बार मैं तेरी परिक्रमा नहीं करने वाली, तुझे करनी है तो मेरी ओर से कर लेना, क्योंकि मैं तेरी बीवी हूं, तू मेरा पति है, आधा अंग मैं तेरा हूं, जो मैं करूंगी वो तू कर सकता है, जो तू नहीं कर सकता वो मैं कर सकती हूं। आप नहीं मानोगे, गोवर्धन परिक्रमा का दिन आता है, ये कोशिश करती है कि मैं उठूं। वो कहती है कि देख, ऐसे मैं हमेशा पैदल चलती हूं, इस बार मैं ऑटो में परिक्रमा करूंगी अगर तुझे चाहिए। वो चुपचाप सुन रहा है, सब बातें कर रही है वो उससे, ताने मार रही है, झगड़ा भी कर रही है, बोल भी रही है, फिर भी उसको बल आ रहा है कि मुझे परिक्रमा तो करनी है, मेरा नियम पूरा करना है। वो उठती है, चल नहीं पाती, ऑटो को बुलाती है अपने घर के बाहर तक। ऑटो वाले ने कहा,
यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, ऑटो नहीं चलती परिक्रमा में, पैदल ही चलते हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा तेरे को, बेचारी वो। इतने में एक छोटा सा बच्चा आता है, अम्मा अम्मा पही का मगल नहीं देखो, चल मैं कला देता हूं, मैं कला देता हूं। अरे तेरे तो पर नहीं निकले, तुझे पता भी है परिक्रमा क्या होती है? हाँ अम्मा मुझे मालूम है ना बलिक्रमा क्या होती है, चल तेल को मैं ना ये साइकिल रिक्शा पेडल रिक्शा नहीं होती है उसमें बिठा के तेल को मैं बलिक्रमा कहलाता हूँ, तेरे घुटने नहीं चलते ना। पर तुझे कैसे पता मेरे घुटने नहीं चल रहे? अरे तू चल रही है ऐसी ऐसे मंडक मंडक के, मंडक मंडक के चलती है, मुझे पता है कि तू नहीं चल पा रही है, चल आ। हाथ पकड़ता है उसको, पैडल रिक्शा तक ले आता है, उसका हाथ पकड़ के उसको चढ़ाता है, उसको बिठाता है, साथ खुद बैठता है, पूरी परिक्रमा करवाता है, अपने घर पे छोड़ता है और नीचे उतर के गायब हो जाता है। परिक्रमा उसकी पूरी हुई कि नहीं हुई, उससे साथ दिया कि नहीं दिया? दिया ना। ये आपके कल्पनाओं का जगत है, केवल विश्वास होना चाहिए कि वो आपके साथ है, बस इतना ही करना है। वो कृष्ण हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, जो सतत आपके साथ है, केवल आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत करो। अगला बात वो कहती है कि मैं भोपाल जा रही थी, भोपाल मेरा मायका है, मायके जा रही थी क्योंकि भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो देखने तो जाना था। मैंने अपने दूल्हे से कहा, मैंने अपने पति से कहा कि मैं जा रही हूं, परमिशन दीजिए। उन्होंने मुझे परमिशन दी, हम लोग बस से बैठकर जा रहे थे, ये घटित घटना बता रहे हैं आपको। हम बस से बैठ के जा रहे थे, 40 की बस थी, भोपाल पहुंचने के बीच में रास्ते में बस ने पलटी मार ली, बस ने पलटी मारी और मुझे उसकी याद आई और मेरे चित्त में कृष्ण 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 सतत उसका नाम उच्चारण हो रहा था, क्योंकि वो करती थी। जैसे आप गुरु मंत्र का जप का उच्चारण सतत करते तो गुरु आपके साथ होते, ऐसे कृष्ण का उच्चारण करने से कृष्ण आपके साथ होते, कृष्ण 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 कृष्ण। बोले हमारी बस पूरी पलटी हो गई, इसमें बहुत लोग मर गए, कम से कम 32 लोग मर गए होंगे, हम लोग 9 लोग, 8 लोग जिंदा थे। उन 8 लोगों में इंजरी थी किसी को दिमाग पे, जो कि भोपाल के पास में एक और स्टेशन पड़ता है, उस हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी गाड़ी आई और उन सबको उठाकर ले गई। एक मैं ही थी जिसके इर्द गिर्द मेरा कान्हा खड़ा था, उसने मुझे हाथ दिया और उसने कहा तुझे कुछ नहीं हुआ, चल अपन वापस वृंदावन चलते। सबको कुछ ना कुछ हुआ, 32 लोग उस समय मारे गए, 8 लोगों को इंजरी हुई, 7 लोगों को इंजरी हुई, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसके नाखून तक को कोई खरोच नहीं आई। उसने हाथ पकड़ा और वो कब वृंदावन और कैसे आई अभी उसकी स्मृति में नहीं है, उसको याद नहीं है कि वो कैसे आई, पर आई और कोई लाया ये बात है, और वो कौन लाया वो भी उसे स्मृति में है, पर वो कैसे आई वो उसकी स्मृति में नहीं है। अब उसके लिए क्या 1 मिनट से ज्यादा लगता है कि आंखें बंद कर पहुंचा दे, है ना? उसके लिए कोई गाड़ी की जरूरत है? उसके लिए कोई कार्ड की जरूरत है? नहीं है। आंखें बंद कर, चल हाथ दे मेरे को, उसने हाथ दिया, हाथ दिया, 1 सेकंड में वो वृंदावन में थी। कैसे आई वो अभी भी नहीं बता पा रही है कि मैं कैसे आई। तो क्या आप इस परमात्मा के अस्तित्व पे संदेह कर सकते हैं, जो आज भी लोग इस बात को अनुभव करते हैं? नहीं कर सकते। आज भी हजारों किलोमीटर दूर बैठ के जो लोग मुझे याद करते, उनका हर पल हम साथ देते, क्या आज आप इस अस्तित्व को नकार सकते हो? नहीं नकार सकते। बहुत लोगों ने ऐसे अनुभव किए, बहुत लोगों ने। एक लड़की ना बहुत पेट के दर्द से परेशान थी, एलोपैथी दवाई की, आयुर्वेदिक दवाई की, होम्योपैथी दवाई की, पर उसको ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो मेरी फोटो के सामने खूब जोर जोर से रोई कि आपको तो मेरी पड़ी नहीं है ना, आपको तो पड़ी नहीं है, आप मेरा इलाज नहीं कर सकते, मैं इतनी बार आपके पास आई पर मैं नहीं बताऊं तो क्या आपको पता नहीं चलता है? उस दिन रात को उसको स्वप्न आता है और मैंने उसको एक इलाज बताया स्वप्ने में, 15 साल पुराना दर्द जो कोई ठीक नहीं कर पाया, सपने के एक इलाज ने ठीक कर दिया, आज वो ठीक है। ये सब चीजें हैं इस जगत में। आप जो ये जगत देख रहे हो ना, मेरा मिलना, आपका मिलना, बिछड़ना, लेना देना, इसके अलावा भी एक जगत है जो आपके भावों का जगत है, और भाव में आपके जगत में जो व्यक्ति पुष्ट है
वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रक्षा सदैव करता है, इर्द गिर्द आपके आसपास होता है। वो दिखता नहीं है, जैसे हवा दिखती नहीं है। आप कहोगे दिखता क्यों नहीं है, तो जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही नजर नहीं आता। पंखा चल रहा है, हवा दिखती है क्यों नहीं दिखती? क्योंकि सर्वत्र है। जो जितना व्यापक है, जिसकी शक्ति जितनी व्यापक है उतनी ही उसकी शक्ति नजर नहीं आती, ठीक है ना। आप कहोगे कि मैं जिंदा हूं, हाँ तो आप जिंदा हो, आप चल रहे हो, इसी बात का प्रमाण है कि आप जिंदा हो। पर हम कहेंगे कि आप जिंदा किस चीज से हो? आप कहोगे सांसों से। सांसें तो नहीं दिखती है, क्यों? क्योंकि सांसें सूक्ष्म है, इसीलिए भगवान और उसकी शक्ति नजर नहीं आती, वो यहां एहसास की जाती है। उसके लिए हृदय है, उसी के लिए हृदय है। तो इसीलिए कल के बात का आपका जवाब, आज मैंने दो दो बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए। हम अपनी भी लाइफ के बारे में बता सकते हैं आपको, मुझे भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, पर हम कहते हैं कि आपकी काल्पनिक जगत को पुष्ट बनाइए। इसीलिए पुष्ट बनाइए, इस संसार में जब ही आप अकेले हो वो आपके साथ में खड़ा होगा। आप स्मरण करो वो आपके पास खड़ा होगा, आप स्मरण करो वो आपके काम करने लगेगा। वो चाहे, जरूरी नहीं है कि वो एक ही रूप में आता है, वो किसी ना किसी रूप में आपका काम कर देता है। कभी कभी आप इतने निराश होते हैं और किसी व्यक्ति ने, कोई थर्ड पर्सन, आपकी माँ ने, आपके पापा ने, आपने, आपके भाई ने, आपके दोस्त ने ऐसी कोई बात कह दी कि आपको क्लिक हो गई। ये कहीं ना कहीं उसी की प्रेरणा ही तो है, नहीं तो आपकी स्थिति उसको कैसे पता? पर वो ऐसा ही बोलेगा जैसे जो आपको जरूरत होगी। पर आपको श्रद्धा अपने इष्ट पर रखनी पड़ेगी, विश्वास अपने इष्ट पर बनाना पड़ेगा, और आपको अपनी कल्पना में उसको रखना पड़ेगा, तब आपको वो छोड़ नहीं सकता किसी भी कीमत पर। आपकी काल्पनिक जगत और काल्पनिक क्षेत्र, पानी पूरी की कल्पना करने से आपको मुंह में पानी आ सकता है, तो भगवान की कल्पना करने से क्या वो हाजरा हजूर नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता। पानी पूरी से कहीं अधिक बल उसमें है, पानी पूरी से कहीं अधिक बल उसका है कि नहीं? तभी देखो पांच पांच पति वाली द्रौपदी, पांच पति, एक का बाणों पर आधिपत्य है, हर एक बाण चलाता है, 5 किलोमीटर दूर तक आदमी का सिर कट के गिरता, ऐसा पति हो, किसी चीज की कमी थी क्या द्रौपदी को? एक भाला घुसेड़ता है तो 17 लोगों को एक भाले से आर पार कर देता है, एक की तलवार क्या चलती है, तलवार की शमशीर आवाज करते लोगों के छक्के छूट जाते। और भीम की तो पूछो ही मत, उठा उठा के, सूंड से उठा उठा के, उठा गोल घुमा घुमा के, घुमा घुमा के ऐसा फेंका कि गुरुत्वाकर्षण नियम के पार हो गए, वापस नहीं आए। हम लोग धरती पर है ना, हम लोग जंप लगाते तो ऊपर थोड़ी उड़ जाते, नहीं ना, गुरुत्वाकर्षण नियम हमें बांधे हुए। पर आप 10,000 हाथियों का बल किसी एक इंसान में हो, ऐसा जिसका पति हो, आ हा हा, उसको तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। पर वो पांच पति कुछ कर पाए क्या? नहीं कर पाए। जो किया किसने किया? मुंह में साड़ी का पल्लू लेके दुशासन जब खींचने को आता है, वो पांचों पतियों को देखती है, पांच पांच पतियों को धिक्कार है, आंखों से धिक्कार बरस रहा है उसके, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। भीष्म पितामह जैसे विद्वान कुछ नहीं कर पाए, धृतराष्ट्र जैसा राजा कुछ नहीं कर पाया, जो दिल्ली कैपिटल, हस्तिनापुर कैपिटल, उसका राजा अपने आंखों के सामने एक स्त्री को नग्न होता हुआ देख रहा है। शर्म है इस इतिहास का, शर्मनाक वो दृश्य था, सबसे बुरा दृश्य हमारे पूरे इतिहास में, अपनी ही बहू को अपने सामने सारे ससुर मिलकर नग्न होता हुआ देखना, पति बैठे हुए कुछ न कर पाना, नपुंसक की तरह हाथों में बेड़ियां पहनकर बैठा होना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक स्त्री का हो सकता है। पति पांच पांच हो और कुछ न कर पाए, सास ससुर सामने हो और बोल ना पाए, ऐसी स्थिति आज के पहले हमारे देश में कभी नहीं हुई, जो महाभारत के काल में हुई द्रौपदी की। कोई काम नहीं आया, जैसे ही आंखें बंद करके गोविंद 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 का आधा ग बोला, भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे खाना खा रहे थे, भोजन छोड़कर
साड़ी अवतार लिया है और साड़ियों के रूप में पहुंचे हैं वहां। ये कृष्ण की, ये परमात्मा की महानता। इसीलिए आप लोग परमात्मा की सर्वव्यापकता पर, उसके सामर्थ्य पर भरोसा करिए। उसको आसपास देखिए, इर्द गिर्द देखिए, आपका हृदय किसको अपना बनाना चाहता है उसको हमेशा साथ रखो। कौन सी आकृति आपको पसंद आई? कृष्ण की आई, शिव जी की आई, हमारी आई, किसी और की आई, पर वो समर्थ होना चाहिए, बस। ठीक है, और अब आपको जो करना है वो आपको अपना शेड्यूल बनाना है। फ्री समय नहीं छोड़ना है आपको, किसके बाद क्या, किसके बाद गोल आपके जीवन का निश्चित करना है आज आपको। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है वो निश्चित करो, उसके लिए आप क्या करोगे वो निश्चित करो। फ्री समय हो तो आप क्या क्या कर सकते हो वो निश्चित करो। फालतू का समय छोरे छोरियों के बीच में बिताने के लिए आपका नहीं है, टाइम पास नहीं है। और अगर टाइम पास है तो उसमें कौन सी अच्छी चीज कर सकते हो टाइम पास में, वो भी आप मुझे लिख के दोगे। ठीक है।